अगर हम आपसे ये चीज़ कहें कि कहीं ना कहीं नेपाल अंडर 19 का जो ग्रुप है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में, उसमें कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिनको नेपाल ने 50 ओवर फॉर्मेट में मात ना दी हो। जी हाँ, नेपाल अंडर 19 टीम ने मात ना दी हो। जी यकीनन, अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं और आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप बखूबी जानते होंगे कि हाँ ऐसा चीज़ें हुई हैं, और आप अगर नहीं जानते और शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आगे इसी बात पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार हम नेपाल से इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे या फिर कम से कम उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसे वो रिपीट करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ स्कॉटलैंड, नामीबिया और यूएसए का इन कम्पेयर टू अपने जो ग्रुप्स की जिनकी जो अदर टीम्स हैं उनके खिलाफ क्या हाल है उस पर भी बात होगी। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करूंगा मैं नामीबिया से। नामीबिया का जो ग्रुप है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में, उस ग्रुप में बाकी टीम्स और कौन कौन सी हैं और उनके साथ आज तक 50 ओवर यानी वनडे ओडी में हेड टू हेड में नामीबिया का क्या हाल रहा है? नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें नामीबिया जिस ग्रुप में है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे भी शामिल है। और अगर हम बात करें नामीबिया का रिकॉर्ड इन टीमों के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस खेले, तीनों में हार मिली है। वहीं पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचेस खेले हैं, नामीबिया ने 1 में जीत मिली है और 4 मैचेस में हार मिली है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ बात करें तो 6 के 6 मैचेस में उन्हें हार मिली है। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ श्रीलंका है जिनके खिलाफ उनकी 1 जीत आई। बिल्कुल, तो नामीबिया का जो परफॉर्मेंस है हेड टू हेड में भी इन टीम्स के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। अगर आप देखेंगे श्रीलंका कोई सिर्फ एक बार वो हरा पाए उसमें, वो भी 5 में से 1 बार। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें 3 में हार मिली और जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 के 6 मैचेस में हार मिली है, तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत खराब है। नामीबिया को अपना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा अगर हम देखें अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में, तब जाकर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे से टैकल कर नेक्स्ट राउंड के बारे में सोच सकती है। यानी इस ग्रुप से नामीबिया का नेक्स्ट राउंड में पहुंचना यानी सुपर 6 में पहुंचना डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नजर आता है, क्योंकि कम से कम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी ये कहते हैं और उन्हें अपना बहुत ही ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देनी, क्योंकि स्कॉटलैंड के हाथों में काफी करारी शिकस्त मिली थी प्रैक्टिस गेम्स में, ऑफिशियल वार्मअप्स में और देखना बाकी है। यानी इस ग्रुप में चांसेस बहुत ही ब्लीक है कि नामीबिया हमें नेक्स्ट राउंड में जाता हुआ देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं अगले ग्रुप की, यहाँ पर बात करेंगे स्कॉटलैंड के ग्रुप की। स्कॉटलैंड का जो ग्रुप है उस ग्रुप में और कौन कौन सी बाकी 3 टीमें हैं उनके साथ स्कॉटलैंड का हेड टू हेड जब भी 50 ओवर या वनडे की बात करें हुआ है अंडर 19 लेवल पे, याद रखिए अंडर 19 लेवल की बात कर रहे हैं, ये सीनियर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। स्कॉटलैंड अंडर 19 की टीम ने जब जब उनके अपने ग्रुप्स के जो बाकी टीम्स हैं उनके खिलाफ, उनके अंडर 19 टीम के खिलाफ 50 ओवर या वनडे खेला है तो रिकॉर्ड्स क्या कहता है हेड टू हेड? बिल्कुल, स्कॉटलैंड के ग्रुप में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमें मौजूद हैं। और अगर हम देखें स्कॉटलैंड का रिकॉर्ड इन तीनों ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3-3 मैचेस रेस्पेक्टिव खेले हैं, 3 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और इन दोनों के खिलाफ स्कॉटलैंड को हार मिली। जी हाँ, और सूखा रहा है जीत का, अभी तक एक खाता भी नहीं खुला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कॉटलैंड का 3-3 मैचेस में से। वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ आज तक स्कॉटलैंड खेला नहीं है अगर हम बात करें अंडर 19 के लिमिटेड ओवर यानी कि वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में, तो देखना होगा कि कैसे करके वो खेलते हैं, फर्स्ट टाइम है, जीत पाते हैं या नहीं इंग्लैंड के सामने जिसकी प्रिपरेशन वगैरह बहुत हाई है स्कॉटलैंड से एज कंपेयर करें। बस वक्त बताएगा कि फर्स्ट इनकाउंटर में कौन जीतेगा। बिल्कुल, यानी ये तय है स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में जिन जिन टीमों के साथ यहाँ मौजूद है उनमें से अगर किसी के खिलाफ वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहता है तो ये पहली बार होगा स्कॉटलैंड के अंडर 19 टीम ने या साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड को पहली बार मात दी है 50 ओवर में वनडे की। हम यहाँ बात लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑफिशियल जो 50 ओवर्स होते हैं अंडर 19 लेवल पर। उसके बाद अब बात करते हैं इस ग्रुप में भी, अगर देखें तो इस ग्रुप में भी चीज़ें जो है थोड़ी सी टफ नजर आती हैं, लेकिन हाँ स्कॉटलैंड को अपना बेस्ट देना होगा कम से कम अगर वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर वो जीत दर्ज कर पाए तो कहीं ना कहीं नजर रहेगी। बाकी देखना पड़ेगा इंग्लैंड से जब पहली बार सामना होगा ऑफिशियल यूथ और इसमें ऑफिशियल वनडे में तब क्या रहता है स्कॉटलैंड टीम का हाल। अब बढ़ते हैं एक और ग्रुप की तरफ, बात करते हैं नेपाल की। नेपाल अंडर 19 का जो ग्रुप है इस बार वो क्या क्या कहता है, और यहाँ पर आपको बता दें कि यही हम बात कर रहे थे कि स्टैट्स जो है काफी प्रॉमिसिंग है इन फेवर ऑफ नेपाल डेफिनेटली, क्योंकि इस ग्रुप में एक भी ऐसी टीम नहीं है जिसको नेपाल ने लिमिटेड ओवर में अंडर 19 लेवल पर ऑफिशियल लिमिटेड ओवर्स की बात कर रहे हैं हम मात ना दी हो। बिल्कुल, और नेपाल के ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें यहाँ मौजूद है। वहीं पर अगर नेपाल का रिकॉर्ड देखें अफगानिस्तान के खिलाफ 10 मैचेस खेले हैं उन्होंने जिसमें 2 में उन्हें जीत मिली है और 8 में हार मिली है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपाल का रिकॉर्ड कमाल का है, 2 मैचेस नेपाल ने खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और दोनों में नेपाल को जीत मिली है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम देखें तो 5 मैचेस
खेले हैं नेपाल ने, और एक में जीत मिली है और चार में हार मिली। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, तीनों टीमों के खिलाफ उनके पास एक ब्लूप्रिंट जरूर है, एक एग्जांपल जरूर है, जिनकी तरफ वो पीठ घुमाकर देख सकते हैं कि नहीं हमारे पुराने लड़कों ने, क्योंकि अब ये लड़के तो वो नहीं है, पुराने लड़कों ने कहीं ना कहीं वो U19 लेवल पर करके दिखाया है, तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, हम इनके खिलाफ कर सकते हैं। अफगानिस्तान को दो मैचेस हराए हैं, न्यूजीलैंड को तो व्हाइट वॉश ही चल रहा है दो का, और इसलिए न्यूजीलैंड वाले मैच में बहुत ज्यादा नजर रहेगी, नेपाल वर्सेस न्यूजीलैंड की खासा नजर तीनों में ही रहेगी, सारे टीमों के मैच में रहेगी, लगातार हम खुद देखेंगे भी, क्योंकि पहली बार हम कहीं ना कहीं अंडर 19 लेवल पे इतने सारे टीम्स का देखते हैं, हम इंडियन टीम का काफी देखते थे पहले, लेकिन इस लेवल पर इतने सारे ये पहली बार होगा एशियाड्स के लिए, क्योंकि हम खुद पहली बार कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। वर्सेस पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी एक जीत मिली है। अब यहाँ पर चीज क्या है, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अंडर 19 ने काफी अच्छा किया है, और उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें वापस से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देखने को मिले, हालांकि न्यूजीलैंड का स्तर भी काफी बेहतर हुआ होगा उम्मीद करेंगे, लेकिन वो मैच में ही पता चलेगा, सिर्फ ऑन पेपर कहते हैं कि न्यूजीलैंड बेटर है, उस दिन देखेंगे कि किस लेवल, क्योंकि अंडर 19 लेवल पर है, कुछ भी सीनियर लेवल पर होता है तो क्लियर कह सकते थे कि हां काफी बदल जाता है, अंडर 19 लेवल पर बदलता है, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे, काफी सीनियर लेवल के मुकाबले। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जहां तक बात है, तो यहां पर एशिया कप का एक्सपीरियंस थोड़ा टीम को काम में लाना चाहिए, अभी रिसेंटली इतना वक्त भी नहीं, शायद एक महीना भी नहीं हुआ है, उसके आसपास ही हुआ है, तो अभी रिसेंटली उन्हीं बॉल्स को खेला गया है, उन्हीं बॉलर्स को, और ऐसा नहीं है कि वहां पर खूब स्पिनर्स के खिलाफ विकेट दिए, वहां पर भी पेसर्स से बेहतर विकेट वही पेसर्स आपको लगभग यहीं पर यहाँ पर भी फेस करने हैं, तो वहां का एक्सपीरियंस बैट्समैन कितना यहाँ पर ले पाते हैं, कितना यहाँ पर उस पर काम कर पाते हैं, ये ऑफिशियल वार्म अप मैच में थोड़ा दिखेगा, और मेन जब अफगानिस्तान पाकिस्तान खिलाफ वापस से भिड़ेगी, क्या कहेंगे यार, बिल्कुल सही, एक्सपीरियंस काम में लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए, प्लेयर्स भी काफी वही है नेपाल के जो अंडर 19 एशिया कप में खेले थे लास्ट ईयर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस को यहाँ पर थोड़ा सा वर्क में लाना चाहिए, काम में लाना चाहिए, जब वो इस टीमों के खिलाफ उतरेंगे तो बहुत बेहतर होगा, हमें देखना होगा, कि इंतजार भी रहेगा कि इतने यंग लड़के जिन्होंने उस एशिया कप से कुछ सीखा, कुछ लर्न किया है या नहीं, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखाएंगे, इंटेंट दिखाएंगे या नहीं, भूख है या नहीं, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अभी रिसेंटली आप उनसे भिड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और बस एक चीज़ और उसमें देखनी होगी कि गलतियां जो हैं वो वापस से वो वाली रिपीट तो नहीं हो रही है उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ जो अंडर एशिया कप में की गई थी। अब यहाँ पर एक और लास्ट ग्रुप की बात करते हैं, मेरे ख्याल से यूएसए का ग्रुप है, यूएसए के ग्रुप में कौन कौन सी टीम है और उनके खिलाफ हेड टू हेड का क्या हाल है? बिल्कुल, यूएसए के ग्रुप में बात करें, आयरलैंड, इंडिया और बांग्लादेश, ये टीमें हैं। यूएसए ने आयरलैंड के खिलाफ अब तक चार मैचेस खेले हैं, जिसमें एक में उन्हें जीत मिली है और तीन में हार उन्हें सामना करना पड़ा है। वहीं इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ यूएसए आज तक खेला नहीं है अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने हिस्ट्री में या ऑडी हिस्ट्री। बिल्कुल जी हाँ, ये सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, ऑडी की बात, चाहे वर्ल्ड कप में खेलो या फिर ऑफिशियल लिमिटेड ओवर्स की बात कर रहे हैं, 50 ओवर्स की। खैर यहाँ पर एक चीज है, आयरलैंड के खिलाफ एक चीज जरूर मिली है, जिसका उनके पास कहना कि थोड़ा सा एक मोटिवेशन जरूर रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएसए के ग्रुप में दो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर 19 टीम्स मौजूद है। ये आपको आपकी कहीं ना कहीं मानेंगे कि इंडिया बांग्लादेश ने रिसेंटली काफी बेहतर विकेट लिया अंडर 19 लेवल, इंडिया तो लगातार डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी दो जो टीमें हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इस ग्रुप में, तो यूएसए का इस ग्रुप से आगे बढ़ पाना सुपर सिक्स लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टफ नजर आता है, लेकिन नेपाल में बहुत उम्मीद रहेगी, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी ये कहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड है ही है, वहां पर वो उस चीज को कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ वो अभी एशिया कप खेल कर आए, गेम्स खेल कर आए, तो उनसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लड़कों को लेना चाहिए, और अर्जुन कुमार ने तो बेहतरीन इनिंग खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ, वापस से रिपीटेटिव इनिंग उनकी तरफ से बाकी प्लेयर्स की तरफ से भी जरूर रहेगी, बाकी देखना होगा क्या कुछ होता है। तो ये हाल है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप्स के मैचेस की, कि एशियाड वर्सेस जो जो ग्रुप में उनकी टीमें उनके खिलाफ उनका हेड टू हेड में क्या हाल रहा है, लिमिटेड ओवर में किसके कितने चांसेस रहेंगे। आपके कमेंट बॉक्स ओपन है, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करिए, क्या आपको लगता है कोई एशियाड टीम सुपर सिक्स में पहुंचने में कामयाब रहेगी, और अगर हां तो वो कौन सी टीम होगी, कमेंट बॉक्स ओपन है जरूर बताइए, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।